नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक जुटर। सो आज मैं आपके सामने इनफोकस की टर्बो 5 प्लस डिवाइस लेके आया हूं। इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो अगर आपको जानना है कि इस डिवाइस के साथ जो बॉक्स आता है उसके अंदर आपको कौन कौन से आइटम्स मिलेंगे, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं आपके लिए शेयर करूंगा। आइए अब सबसे पहले इसके हम फीचर के ऊपर बात करें, तो इस डिवाइस का जो मेन यूएसपी है वो है इसका बैक और फ्रंट कैमरा, जो कि आपको डुअल लेंस के साथ आता है। बैक कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल विद फ्लैश है, और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल के साथ आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके ठीक सामने यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है। इस फोन के की जो स्क्रीन साइज है वो आपको 5.5 इंच की है, जो कि आपको 720x1280 पिक्सल के साथ आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बैटरी इस फोन के अंदर 4850 एमएच की, जो कि काफी पावरफुल है। प्रोसेसर 1.5 गीगाहर्ट्ज ओक्टा कोर का है, जो कि आपको मीडियाटेक MT6750 है। रैम अगर बात करें इस फोन के अंदर तो 3 GB की है। इंटरनल स्टोरेज 32 GB की है, इसको आप 64 GB तक बढ़ा सकते हो वाया मैक्रो एसडी कार्ड। ये फोन आपको एंड्रॉयड 7.0 के ऊपर चलता है। और अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, तो सबसे पहले अब हम इसके डिजाइन के ऊपर बात करते हैं। तो इस डिवाइस के ठीक ऊपर यहाँ पे आप देखिए 3.5 mm ऑडियो जैक है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें डिवाइस के निचले हिस्से पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट एरिया है, स्पीकर है, और इस डिवाइस के राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर की, पावर बटन, और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप देखिए ये आपको सिम ट्रे एरिया है। अगर हम आइए अब हम इसको चेक करते हैं कि ये सिम ट्रे एरिया जो है वो किस टाइप से है। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपको इसका जो सिम ट्रे है ये आपको हाइब्रिड स्लॉट के साथ आता है। इसको हम अंदर अब हम लगा देते हैं। आइए अब हम इस डिवाइस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले इसके हम सेटिंग एरिया के अंदर चलते हैं और वहां देखते हैं। तो सेटिंग एरिया में आप देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे जो दिखता है, आपको स्क्रीन लॉक है, आपको वाईफाई है, ब्लूटूथ है, सिम कार्ड्स है, डेटा यूजेज है, डिस्प्ले है, नोटिफिकेशन है, साउंड्स है, एप्स है, स्टोरेज है, बैटरी है, मेमोरी है, ये सारी चीजें हैं। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आपको 23.93 GB जो है वो आपको फ्री है। मेमोरी की अगर बात करें तो ये आप देखिए 1.4 GB यहाँ पे आपको फ्री आपको दिख रहा है इस जगह पे। तो ये सारी चीजें। आइए अब हम जल्दी से इसके हम अबाउट फोन एरिया के अंदर चलते हैं। अबाउट फोन एरिया के अंदर देखिए मोबाइल फोन नेम में आपको इनफोकस टर्बो 5 प्लस यहाँ पे मेंशन है, एंड्रॉइड वर्जन 7.0 यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए अब हम यहां से बैक करते हैं और बात करें इसके टोगल की तो टोगल की जो है आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों आपको बटन दिए गए हैं, जिसको आप टच करके होम मेन्यू पे जा सकते हो, करंट ऐप को देख सकते हो या जो भी आपने करंट में देखा है, या फिर इसको यहां से ऐसे बैक कर सकते हो। ये सारी चीजें दी गई हैं। अगर हम बात करें इस डिवाइस का जो एक सबसे मेन फीचर है वो है आपको इसका कैमरा, उसके ऊपर अब हम चलते हैं। तो दोस्तों हम इस डिवाइस के कैमरे के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो छोटा सा आप ये जो आइकन देख रहे हैं, ये गोल सा सर्किल सा, ये जो है इसके थ्रू आप देखिए बैकग्राउंड ब्लर आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको आया और ये नीचे आपको L1 L2 L3 L4 है, ये दिखाता है कि कितने एरिया को आपको ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। बाकी सारा एरिया आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, बाकी सारा जो एरिया है वो आपको ब्लर होगा, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। आइए अगर गियर आइकन पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स दी गई है। आप देख सकते हैं जीपीएस लोकेशन, सिम मोड, कैमरे के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एंटी शेक है, फेस डिटेक्शन है, स्माइल शॉट है, पिक्चर साइज है, ये सारी चीजें दी गई हैं। कैमरे के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आप देखिए वीडियो क्वालिटी जो है हाई है, फाइन है, लो है, मीडियम, ये सारी चीजें दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये आपको फ्लैश है और ये सारे पैनारोमा और नॉर्मल फोटो के लिए है। आइए मैं इससे जो इमेज लिया हूं वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये इमेज जो है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, और ये जो पीछे जो है ये देखिए यहाँ पे एप्पल जो है वो हेजी है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखिए इस इमेज में यहाँ पे आपको टर्बो 5 जो यहाँ पे लिखा है ये आपको क्लियर है, और यहाँ पे ये जो एप्पल है वो आपको हिजी में आया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस इमेज को आप देखिए यहाँ पे आपको एप्पल जो है ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस किया है, और ये देखिए टर्बो 5 में आप देख सकते हो यहाँ पे टर्बो 5 नहीं दिख रहा है, जबकि पिछले वाले इसमें यहाँ पे देखिए आपको टर्बो 5 दिख रहा है। तो ये चीज है। इसके अलावा ये इमेज भी आपको हिजी के साथ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको टर्बो 5 नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने फोकस इस इमेज पे किया था। तो ओवरऑल जो इसका जो डुअल लेंस है वो अच्छे से काम करता है, ठीक काम करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सही आ रहा है और पीछे ये जो है ये आपको ब्लर है, और ये ब्लर वही आपको L1 L2 L3 L4 जितना आपको ब्लर रखना है आप उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो।
ठीक है। ये देखिए ये इमेज यहाँ पे भी इसकी पिक्चर की क्वालिटी ठीक है और ये देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो इसकी जो पिक्चर की क्वालिटी हो ठीक है, ये इसके सेल्फी से लिया हुआ इमेज है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी यहाँ पे भी अच्छा आया है। तो ओवरऑल जो ये डिवाइस है, और एक्चुअली मैं एक चीज और मैं बोलूंगा कि इस डिवाइस की जो प्राइस है वो आपको 8,999 है, जो कि आपको अमेजोन के ऊपर आपको मिलेगा। तो इस प्राइस रेंज में आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड ड्यूल लेंस के साथ बहुत ही कम डिवाइसेज में आता है। तो उस हिसाब से जो ये अपने प्राइस को ये फोन आपको जस्टिफाई करता है। और इसकी एक और जो प्लस पॉइंट जो मुझे लगी वो आपको इसका बैटरी लगा ठीक है दोस्तों, जो कि आपको 4850 mAh का था। तो ओवरऑल ये इस डिवाइस के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि एक तो ये पावरफुल डिवाइस है, एक तो इसका फ्रंट और बैक कैमरा अच्छा है, उसके अलावा इसकी जो बैटरी है वो भी पावरफुल है, और इसकी जो प्राइस है वो आपको ज़्यादा नहीं है, जो कि आपको 9,000 रुपये से कम है। तो दोस्तों ये मेरा आपको एक डिटेल रिव्यू था इन फोकस की, ये जो नई डिवाइस आपको टर्बो 5 Plus के ऊपर। होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा चैनल जो कि टेक्नोटर है, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक वीडियो देख सके। अगले वीडियो लेकर मैं जल्द आऊंगा, तब तक साइन रहा, टेक केयर, थैंक यू।